जो कुम्हार दीपावली के लिए दिए बनाकर इस त्योहार में घरों को रोशन करते आए हैं, महंगाई की मार और बदलती तकनीक ने आज उन्हीं के घरों में अंधेरा कर दिया है। बाजार में मिलने वाले चाइनीज दियों के आने से पारंपरिक दियों की मांग कम हो गई है, जिससे कुम्हारों का कारोबार प्रभावित हुआ। इसे लेकर राजधानी रायपुर के नरोत्तम कुम्हार से बात की संवाददाता दामिनी बंजारे ने। कुम्हार का घर है और दिवाली जो है वो कुम्हारों के बिना अधूरी होती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो दीप होता है उसको तैयार करने के लिए कुम्हार जो है वो महीनों से जुट जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि उनके घर की स्थिति कैसे रहती है। पूरे सामान मिट्टी जो है वो पूरे भरे होते हैं और इस तरीके से इनकी स्थिति में वो रहते हैं। और इसी कड़ी में वो जो है वो अपने घर के अलावा पूरे घरों को रोशन करने का काम करते हैं। यहाँ पे एक दादा है, उन्हीं से हम जानते हैं। बहुत समय से वो ये दीपों का बनाने का काम कर रहे हैं। कैसे पहले का समय हुआ करता था और आपका समय कैसा है, हम इन्हीं से समझते हैं। वो तो पहले से मतलब बना थे ना, दिया है। अब काहे देख वाले ने ना, तो एक महीना पहले बनाए पर थे चीज का, और सब बोले माटी गोटी लाल पर थे। मौसम के हिसाब से ना बने ही घोलो नहीं, अब पानी बादल गिरे थे ना तो नहीं बने धरे। वैसे तो एकदम ज्यादा हो गए पानी बादल है, ये तो पकाए का मौका भी नहीं दी। सब पकावे का थे तो खेतते जाते माल है, हाँ तो वो रोजी रोटी भी नहीं पड़े वहाँ। रोजी रोटी आप मन के नहीं पड़ पाए, ये सही बात के क्या करके पानी भी बहुत ज्यादा गिरा थे। बहुत पानी बहुत गिरे ना, जाट माल मतलब देखे पूरा ना खड़ा खराब खराब हो गए पूरा। आप लोग सभी का घर रोशन करते हैं लेकिन आप ही का घर आज अंधेरे में है, क्या कुछ कहना है? क्योंकि लंबे समय से आप दीप बना रहे हैं। नहीं वो काय कर आवाज बना था ना, ऐसे बात नहीं, समय यहाँ थे तब अब लड़का मन बना थे, मैं तो बना नहीं हूँ। आप बनाते थे दीप तो पहले चरखे में बनता था दीप, अब एक टेक्नोलॉजी आ गया जिसमें मशीन में अब दिया बन रहा है, कैसे देखते पहले का कैसे रहता? अब पहले से अब बने लगते वो है, अब घुमाए बार थोड़ा कम लगते, अब पहले घुमाते हैं हाथ में, अब मशीने बन गए। अब काम करे तो किस बनते, कोई दिन भर मशीन आ गए तेकर मतलब नहीं कि दिन भर काम करते रह, जो काम करना है वही करवे। हाँ दो घंटा चार घंटा टाइम लगते आप मतलब पूरा दिया बनाए? वो समय के हिसाब से नहीं जान, अपन शरीर के हिसाब से जासन होगा। हाँ समय तो दिन भर थी, दिन भर बना नहीं सके आदमी, दिन भर काम नहीं कर सके। अभी चाइना दिया, चाइना लाइट और ये सब चाइना के जो प्रोडक्ट है वो बहुत हाई लाइट होते हैं, राजधानी में बहुत ज्यादा चलन में आगे है। हाँ। आप लोग जब बनाते हैं है ना, मिट्टी के दिया बहुत कम लोग लगाते घरों में, कैसे आप पूरा व्यापार होता है, कितने का फायदा? हाँ वो मिट्टी के दिया लगाते ना, लेकिन क्या कर आजकल बड़े बड़े दुकान में पूरा झालर लगा देते, मिट्टी के लिए नहीं करे। जैसे वो जोत जल थे वो में जो न कलश है वो करे में तामा के लोटा जला थे, वही स्टाफ से ना यहाँ सब झाड़ा लगा थे। नहीं थे नहीं पहले जो ले गए थे दिया ना, तो 1500 ऐसे सब ले गए। अब आपको कहा 10-20 टिक ले जाते तान हो जाते। जैसे कि आप सुने कि एक कमाने वाले हैं और सभी यहाँ पे रहने वाले हैं और इनका सभी की रोजी रोटी एक के कमाने से चलती है और ये महीने भर से इसी काम में जुट जाते हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। लक्ष्मी जी और बाकी मूर्तियाँ ये यहाँ पे तैयार कर रही है, इन्हीं से बात करते हैं। दीदी आप लोग कब से ये तैयारी करते हो, कैसे पूरा तैयारी आप लोग करते हो, कितनी मूर्तियाँ इस बार आई है ऑर्डर में और दिए कितने इस बार? हम तो इला दशहरा मतलब एक कलर करे चालू तो दशहरा के समय से ही कर दे था, दशहरा मानता ना ये बनाए के जो काम रहते ना ओला 2 महीना पहले से ही तैयारी करते, जैसे तीजा गहे नहाक थे ना वैसे ही ये चालू हो जाते। पहले बिकता बहुत ज्यादा था ये मूर्ति, अब चाइना मूर्तियां भी आ रही है अलग अलग तरीके की, बाहर की मूर्तियां बन के आ रही, कैसे इसमें प्रभाव पड़ा? फैंसी वाले आ जाते ना तो आदमी मन डिजाइन वाले देखते, ओकर कारण यह कम हो जाते, कारण एकर रेट है कम हो जाते। हाँ जो कुम्हार औरों के घरों को रोशन करता है उन्हीं के घर आज एक तरह से अंधेरे में पड़े हुए हैं। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मौसम का सीधा असर इनके व्यापार पर पड़ा है, चाइना से जो चाइना के जो प्रोडक्ट आते हैं उनका असर सीधा इनके व्यापार पड़ा है, और लगातार जो कुम्हार इतनी मेहनत करके जो दो दो तीन तीन महीने की मेहनत वो लगाते हैं, इसका सीधा असर जो है अब इनके अर्थव्यवस्था पर और एक तरह से जेब पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन दीपलिप के साथ दावनी बंजारे, बंसल न्यूज़ रायपुर।